अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं चंद टॉप के छह मेथड बताऊंगा, सिक्स मेथड जिनको आप यूज करके रियल स्टेट से एक अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। ओवरऑल कुछ और मेथड भी ऐड होंगे। अच्छा, उनको मैंने यहाँ पर लिखा है, रफली लिखा है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहला मेथड हमारे पास आ जाता है बाइंग रियल स्टेट। अगर आप रियल स्टेट में बाइंग करते हैं, मतलब आप इन्वेस्ट करते हैं, अक्सर हमारे ओवरसीज होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में अपना कारोबार चीजें मैनेज कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर लाइक बहरिया DHA और डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर बाइंग करते हैं, घर बाय करते हैं, प्लॉट बाय करते हैं, एक साल दो साल उनको होल्ड करके, उनको सेल करके एक अच्छा बेनिफिट उठाते हैं। नंबर टू हमारे पास आ जाता है फ्लिपिंग हाउस। फ्लिपिंग हाउस बेसिकली ये होता है कि आप एक खस्ता हाल घर लेते हैं या कोई प्लाजा लेते हैं या कोई कमर्शियल एरिया लेते हैं जिसको आप थोड़ा सा बेहतर करके, मिसाल के तौर पर आप एक घर या कोई कमर्शियल बाय करते हैं 1 करोड़ का, ठीक है, आप 10 से 15 लाख 20 लाख उसके ऊपर लगा के आप 20 से 25 लाख वहां से निकाल सकते हैं। सेम वे में कोई घर बाय करते हैं उसकी अकॉर्डिंग, घर की वैल्यू के अकॉर्डिंग 60 लाख आपने घर लिया, आप 5 लाख ऊपर लगा के 10 से 15 लाख वहां से निकाल सकते हैं। ये आ जाता है हमारे पास फ्लिपिंग हाउस में, ठीक है। नंबर थ्री हमारे पास आ जाता है रेंटल हाउस। आप उसमें आप ये करते हैं कि आप कोई घर बाय किया उसको रेंट पे चढ़ा दिया, दूसरा घर बाय किया रेंट पे चढ़ा दिया, इस तरह से भी आप एक इनकम हासिल कर सकते हैं। चौथे नंबर पर JV बेसिकली ये होता है ज्वाइंट इन्वेंचर। ये होता यह है कि आप किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी बंदे के साथ मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के हवाले से, उसमें जो आपको प्रॉफिट होता है वो आप उसके साथ हाफ हाफ कर लेते हैं, लेकिन इसमें रिस्क होता है, बहुत सारे मामलों को देखना पड़ता है। नंबर फाइव पर हमारे पास आ जाता है कि शेयर बाय करना। आप किसी भी कंपनी का शेयर बाय करते हैं, उनके साथ आपका एग्रीमेंट होता है, मायदा होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको मंथली या ईयरली आपका प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन इसमें एहतियात करें, उसी कंपनी का शेयर बाय करें जो कि प्रॉफिट में जा रहा है। अच्छा, नंबर सिक्स हमारे पास आ जाता है इन्वेस्ट इन रनिंग कंपनी। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ऐसी कंपनी आप खरीद भी सकते हैं, उसके शेयर होल्डर भी बन सकते हैं, आप उसके पार्टनर भी बन सकते हैं। अच्छा, अभी हम इसका ओवरव्यू करेंगे कि छह मेथड मैंने आपको बताए हैं। नंबर वन, आपको रियल एस्टेट बाइंग के आप खुद इन्वेस्ट करें, उसको होल्ड करें, वहां से प्रॉफिट आए उसको सेल कर दें। उसके बाद मैंने आपको फ्लिपिंग हाउस का बताया, उसके बाद आपको रेंटल हाउस का बताया, और नंबर फोर पर आपको जेवी के हवाले से बताया, नंबर फाइव पर आपको किसी कंपनी के शेयर बाय करने के हवाले से बताया, नंबर छह पर आपको पार्टनर बनने का बताया कि आप किसी भी कंपनी का पार्टनर बन जाए और वहां से अपना प्रॉफिट जनरेट करें। अच्छा, इन तमाम चीजों में जो मुझे बेहतरीन चीज लगी है वो है इन्वेस्ट इन रियल स्टेट। ये हसास मामला जरूर है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे कंसल्टेंट से राबता करें, अपनी सोचो विचार, अपनी अपना भजा, अपना आपका जो माइंडसेट है, माइंड लेवल है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं और जगह की वैल्यू, तमाम मामला को पहले से क्लियर कर लें, तो यहां से आप एक अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड अलाफ।